प्रधानमंत्री ने कश्मीर की पार्टियों के साथ में करीबन 3.5 घंटे तक बैठक की है। उसी बैठक में मौजूद थे पैंथर पार्टी के भीम सिंह जी। भीम सिंह जी हमारे साथ में। भीम सिंह जी, सबसे पहले 3.5 घंटे की बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ? सबसे पहले कौन बोला, उसके बाद कौन बोला, आपने क्या कहा? कांग्रेस के प्रतिनिधि थे गुलामी आजाद साहब, उन्हें बोला, उन्हें भी 1/2 घंटा लगाया। क्या बोले? बस अपनी तारीफ कह कर दी, जो सरकार कांग्रेस ने किया बस वही दिया, सब कुछ ये कर दी। लोगों के बारे में, लोगों की कि आजकल लोगों के मौजूदा हालात के बारे में, मुश्किलात के बारे में, मोमड़ी मुले क्या 370 के बारे में या जल चुनाव के बारे में, फुल स्टेटहुड के बारे में कांग्रेस की तरफ से कुछ आ गया? 370 के बारे में कोई बात नहीं हुई, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, नहीं कोई रेफरेंस नहीं हुआ, ना उसको लाने का ना उसको हटाने का जी। कोई नहीं, कोई नहीं। चुनाव के बारे में कांग्रेस ने कुछ कहा? मैंने कहा रेफरेंस क्या होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, जितना आप चलते चलते बात करते हैं। यानी कोई एजेंडा नहीं था, कोई मिशनरी प्रोग्राम नहीं था। सर, इसके अलावा फिर वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी उसके बाद? जी जी, उसके कांग्रेस के बाद बोले पीडीपी के मुफ्ती, हाँ पीडी के बाद बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक साहब, फारूक साहब उन्होंने बड़ा रोना रोया अपना। अच्छा। रोना जैसे वो और उनका उनका खानदान ने बहुत कुर्बानियाँ दे दी हैं उन्हें हिंदुस्तान के बचाने में, उन्हें अपनी ही तारीफ कर दी और अपने पिताजी शेख साहब के बारे, शेख साहब लीडर थे कश्मीरियों के नो डाउट, लेकिन उन्हें कहा जी हमारे साथ पाकिस्तान जो है वो किस कदर जा रहा है हमारे साथ, और ये बात हिंदुस्तान ने समझ रहा है कि पाकिस्तान का जिक्र किया है महबूबा मुफ्ती ने, पाकिस्तान का जिक्र किया डॉक्टर फारूक ने, पाकिस्तान पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस को शेख अब्दुल्ला के परिवार को लिक्विडेट करना चाहता था। अच्छा। आर्मी उनके पीछे है, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, मतलब वही बात जो वो बाहर कह रही थी वो उन्होंने मीटिंग में भी कही कि बात करनी चाहिए। पता नहीं बाहर क्या कही, उन्हें कहा बात कीजिए, उसमें क्या नुकसान है, वो बढ़ाते हैं और कोई ऐसे कोई मेरे ख्याल में ऑब्जेक्शनेबल का कोई प्रोवोकेशन बात नहीं करी, लेकिन कहा कि बात होनी चाहिए पाकिस्तान से, क्या 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 मुश्किल है हमें, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी पाकिस्तान के साथ भी हमारा जमीन का झगड़ा है और चाइना का होनी चाहिए। सर, उसके अलावा 370 के बारे में कुछ महबूबा मुफ्ती ने कहा, 370 या फुल स्टेटहुड के बारे में? 370 के बारे में कोई ये सबने कहा कि इसको हटाने से, ये एनसी ने भी कहा हटाने से कोई फायदा नहीं हुआ है, महबूबा मुफ्ती ने कहा, वो भी कहा कि वो मानते हैं, लेकिन वो कहती है पहले बात करनी चाहिए हमें अपने हमसाया मुल्कों से, पाकिस्तान चीन दूसरे। अच्छा। उसके अलावा फुल स्टेटहुड के बारे में महबूबा मुफ्ती ने कुछ कहा? नहीं, इतना काफी था। और उसके अलावा जो है फिर कांग्रेस का हो गया मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साहब का, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट के अपनी तरीफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरीफ, कश्मीर जी, जैसे जम्मू उनकी उनके मैप पॉलिटिकल मैप में जम्मू सूबा कहीं था ही नहीं। अच्छा। या री इलेक्शन इमीडिएट चुनाव वो भी मुद्दा में नहीं थे। डिलिमिटेशन कोई मतलब नहीं होता, वो उनके प्रोग्राम में नहीं है। अच्छा। तो सर बस अब एक आखिरी सवाल, बैठक के करीबन 3.5 घंटे तक चली है, प्रधानमंत्री सबसे आखिरी में बोले जाती जानकारी है, तो प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, उसमें से आप क्या हाईलाइट देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने? प्राइम मिनिस्टर ने सबको एश्योरेंस दे दी कि लोगों का, लोग चाहते थे स्टेटहुड हमने वायदा किया है, हम जल्दी इसको कंसिडर कर रहे हैं, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा डिलिमिटेशन, लेकिन डिलिमिटेशन होना भी जरूरी है। किसी ने नहीं कहा पैंथर्स पार्टी को छोड़ के कि डिलिमिटेशन जो है चुनाव है अभी इमीडिएटली होना चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के बाद इमीडिएटली, ये सिर्फ पैंथर पार्टी ने कहा, बाकी ने कहा लेकिन ये नहीं कहा अब होना चाहिए ये 10 साल के बाद। प्रधानमंत्री का जो अगर आप बता रहे थे कि क्या कुछ और प्रधानमंत्री ने कहा, ये कहा कि फुल स्टेटहुड पर विचार कर रहे हैं, उसके अलावा 370 या डिलिमिटेशन या चुनाव पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे जी, हम करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री 370 या फिर डिलिमिटेशन और चुनाव पर? 370 का नहीं, किसी ने ऑब्जेक्शन किया नहीं 370 पर, तो पीएम ने भी उसका जिक्र नहीं किया, पीएम ने कहा कि वो इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर डिलिमिटेशन और चुनाव को लेकर के पीएम ने कुछ कहा? डिलिमिटेशन पे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा ही नहीं है, हमने ये रेज किया। तो सर पीएम ने कुछ कहा उस पर? क्या
पीएम ने कहा ये नेचुरल प्रोसेस है कि स्टेटहुड वापस करने के बाद वहाँ डिलिमिटेशन भी होगा और चुनाव होंगे। आखिरी सवाल, इस पूरी 3.5 घंटे की बैठक से क्या चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से रही? ये रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी कश्मीर की हैं, जम्मू का एक बीजेपी का था जी, तो तीन थे बीजेपी के, नहीं बोलने वाला एक एक ही था जी। कौन बोला था बीजेपी से? बीजेपी एक उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे निर्मल सिंह, नहीं फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम जो थे निर्मल सिंह जी ने भी बोला 5 मिनट, 5 मिनट एक और। तो सर, तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे थे, क्या सबसे हाईलाइट रही पीएम के? हाईलाइट ये रहा कि जम्मू कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक स्टेज पे आ गए, मुलाकात हुई। दूसरा मैंने ये खुद सीखा कि जम्मू कश्मीर की आज पॉलिटिकल क्या हालत है और पॉलिटिकल सोच क्या है जी? कश्मीर में क्या है, कपवाड़ा में क्या सोच है, जम्मू में क्या सोच है जी? ये आ गया, ये यही पता चला गया कि भारतीय जनता पार्टी की सोच ही खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है, पावर। भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे बोले, वो अपना प्रोग्राम कोई कह नहीं सके, उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ और जो प्रोग्राम आ गया है करेंगे उसको सपोर्ट। यानी साफ तौर पर भीम सिंह जी ने पूरा विस्तार से बताया कि क्या कुछ हुआ इस बैठक में। नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, लेकिन इसमें बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री ने सारे पक्षों की, सारी पार्टियों की बात सुनने के बाद में सबसे आखिरी में अपनी बात कही और यही भरोसा दिया कि जो फुल स्टेटहुड की बात है उस पर जो है पार्टी ने भरोसा दिया है, उस पर जो विचार किया जा रहा है, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं, डिलिमिटेशन हो गया, चुनाव हो गया, ये कहा कि एक प्रोसेस का जो हिस्सा है उस पर भी हमको काम करना होगा। और 370 के बारे में तो कोई खास बातचीत हुई नहीं, जैसे कि उम्मीद भी थी कि सरकार की तरफ से उस पर जो ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, वही कुछ हुआ। तो क्या कुछ हुआ 3.5 घंटे में, बता रहे थे पैंथर पार्टी के भीम सिंह। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।